Okay, good morning students. Today we are starting chapter 13, class 9, surface area and volume. Okay, so let's start. First of all, we should know about formulas. So today I am talking about formulas on this topic. Okay, this one is square. This one is square. So area of square, side to side, means side square, side square. Okay, now अगर किसी को हम इस टाइप से कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये किस टाइप से बचेगी? 3D से या फिर 2D से या फिर 3D से 2D से या फिर 3D से 3D से इसका एरिया एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है? साइड स्क्वायर है. इसमें काउंट करो फेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब 6 फेस हैं इसके अंदर. 6 इनटू साइड स्क्वायर, 6 इनटू साइड स्क्वायर, ये आपका किसका फार्मूला हो गया? एरिया ऑफ क्यूब और वो भी टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. नेक्स्ट नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. ओके, रेक्टेंगल को अगर थोड़ा सा हम इंप्रूव कर लेते हैं ये आपका बन जाएगा क्यूबॉइड. क्यूबॉइड टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड into LV. This one is length, this one is breadth and height. Okay, 2BH. ऐसे मान के चलो जैसे कि आप एक रूम के अंदर बैठे हो, रूम के अंदर आपका जो फ्लोर होगा या रूम होगी दोनों के एरिया सेम होगा, तो L into B, तो 2 into LV plus BH, 2BH plus 2HL, HL, सारे फेसेस हो गए आपके पास. एल बी आपके पास 2 है, बी एल एल बी एच आपके पास 2 है एंड एच एल आप 2 है. सारे 6 फेसेस हो गए, 2, 4, 6, 6 फेसेस. इसके अंदर भी 6 फेसेस होते हैं, इसके अंदर भी 6 फेसेस होते हैं, बस ध्यान रखना इसका एरिया अलग अलग है फेसेस का, 3 फेसेस का. नेक्स्ट ये टोटल सरफेस एरिया क्यूब की बात होगी, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड की बात होगी. अगर इसके अंदर हम लैटरल सरफेस एरिया ऐड कर दें, लैटरल सरफेस एरिया सरफेस एरिया क्यूब क्या होगा? 6 साइड स्क्वायर होता है फॉर्मूला. अगर अपर एंड डाउन दोनों पोर्शन छोड़ना तो ये बनता है हमारे पास 4 इनटू साइड स्क्वायर, 4 इनटू साइड स्क्वायर. तो ये बात होगी किसकी? लैटरल सरफेस एरिया. वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसके अंदर साइड सब सेम है, साइड टू साइड टू साइड यानी साइड क्यूब, तीनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं साइड क्यूब, साइड क्यूब आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अब बात करते हैं क्यूबॉइड की. क्यूबॉइड के अंदर टोटल स्पेस ऑफ क्यूबॉइड हमने क्या लिखा? डिफरेंट एल बी बी एच एच एल. अगर इसको हम कॉमन ले लें तो ये होगा 2 इंटू एल बी बी एच एच एल. ओके, नाउ लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ क्यूबॉइड
लेटरल सर्फेस एरिया। लेटरल सर्फेस की बात करें तो हम एलबी और दोनों एलबी नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन दोनों को छोड़ देंगे और बस क्या हो जाएगा 2BH + 2HF। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे हमारे पास बचेगा 2 और H कॉमन ले लो हमारे पास बचेगा B + L। इसको हम तरीके से लिख लेंगे 2 × L + B × H। ओके इसको हम एरिया ऑफ कॉमन से बोलते हैं, एरिया ऑफ कॉमन, एरिया ऑफ कॉमन ये बोलते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके वॉल्यूम की और बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू एल इनटू डी इनटू एच। थ्री डायगोनल्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके नेक्स्ट अब बात करते हैं सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इस पोर्शन, ये पोर्शन किस टाइप का सिलेंडर सर्कल या आपका सर्कल है और सर्कल के एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी आपका सर्कल है, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा और मिडिल पोर्शन ये इसका आपका एरिया होगा 2πRH। 2πRH थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं 2πRH टोटल सरफेस एरिया 2πRH प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। ओके नाउ टेक कॉमन 2πR अंदर आ जाएगा आपके पास एच प्लस आर, ये आपके पास रह जाएगा। ओके टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर। अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो क्या होगा केवल 2πR एच पाई आर एच। ओके नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम क्या कर रहे हैं इसके एरिया और हाइट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो वो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। ये आपका सर्कुलर पोर्शन है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू एच मींस पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोन, दिस वन इज कोन, दिस पोर्शन इज व्हाट वन सिलेंडर सॉरी सर्कल, सर्कल and area of circle is pi r square and this portion area of this portion is called as curved surface area. So curved surface area one and curved surface of cone is pi r l
Now total surface area. Total surface area of cone is pi r n plus pi r square. This one is pi r square. Total surface area. So pi r n pi r you can take common pi r n plus r. Okay. So this one is total surface area of cone. Now problem is this one that slant height. What is slant height? We should know about slant height. So slant height means see the diagram. Okay. यहाँ पर देखो ऊपर बता रहे हैं slant height कैसे find out करेंगे पढ़नी है और उसका फिर increment कैसे this diagram is now next one is sphere. 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 Surface area of sphere equals to क्या होगी? Surface area 4 pi r square. And curved surface area. Curved surface area. अगर आप इसके अंदर find out करो तो क्या होगा? सारे के सारे function वही हैं. तो curved surface area, total surface area दोनों same रहेंगे. But इसका अगर हम इस तरह से portion करते हैं, hemisphere. इसको हम बना लेते हैं hemisphere. अब hemisphere का total surface area of hemisphere. पूरा आपका sphere. आपका लेंगे hemisphere. हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर. ये पोर्शन ओके प्लस ये पोर्शन. ये पोर्शन आपको किस टाइप का है? सिलेंडर. सॉरी सर्कल. सर्कल है तो प्लस पाई आर स्क्वायर इट मींस 3 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर. ओके नेक्स्ट अगर इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो क्या होगा? वो होगा केवल 2 पाई आर स्क्वायर. क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में आप क्या है ये पोर्शन छोड़ दोगे. ऐसे मान के चलो एज अ बाउल कटोरे की तरह उसमें कुछ वाटर वाटर फिल कर सकते हो. और अगर टोटल की बात करो तो ऊपर से क्लोज कर दिया उसमें आप कुछ भी चीज फिल नहीं कर सकते. ओके ऐसे ऐसे ही नेक्स्ट आप आ जाओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया. ओके नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
hemisphere. Volume of hemisphere means 4 by 3 pi r cube. Okay. 2 by 3 pi r cube. पूरे स्फीयर का एरिया वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2 बाई 3 पाई आर क्यूब स्फीयर इक्वल्स टू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब ओके इसमें से आपके पास एक चीज छूट रखी थी वॉल्यूम ऑफ कोन इसको आप नोट कर लेना अच्छे से ओके इसके बाद इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो एक बार देखो ये कॉमन तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखे हुए हैं सब जगह लिखे हुए हैं इनको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो आप समझ लो ओके उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सपोज आप एक रूम का ये जो पैनल वाला मैं बता रहा और उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें व्हाइट वॉश करनी है व्हाइट वॉश क्या क्या करनी है आप में कॉमन सेंस हम यूज कर सकते हैं व्हाइट वॉश हम कहाँ करते हैं फ्लोर पे तो करते नहीं है रूफ पे भी हो सकती है और फोर वॉल्स हो सकती है तो इट मीन्स आपका ये रूम हो जाएगा इस टाइप से ये पोर्शन छूट जाएगा ओके तो आपका जो फॉर्मूला होता है एरिया और व्हाइट वॉशिंग व्हाइट वॉश वो करना होगा वो समझ लो 2 इंटू एल बी 2 बी एच 2 एच है ये आपका पूरा टोटल सरफेस एरिया होता है बट हमें क्या छोड़ देना है एक एल बी छोड़ देना है तो हम क्या कर सकते हैं एक काम कर सकते हैं इसमें से हम एक तो एल बी निकाल सकते हैं ऐसे कर सकते हैं एल बी प्लस टू बी एच प्लस टू एच है ऐसे भी कर सकते हैं अगर ऐसे ही करना चाहें तो हम टोटल सरफेस एरिया में से एल बी माइनस कर दो तो बी एच प्लस एच है ये टोटल सरफेस है माइनस एल बी क्यों क्योंकि हम लूप को उसमें से अलग कर रहे हैं उसमें से निकाल रहे हैं फ्लोर को क्यों क्योंकि फ्लोर को वॉट वॉश नहीं कर सकते अगर सपोज तो सीलिंग पे भी व्हाइट वॉश के लिए मना कर रखा है सीलिंग पे हम व्हाइट वॉश नहीं कराएंगे तो हमारा पूरा एल बी टू एल बी ये बच जाएगा ये हम इसे यूज नहीं करेंगे अब क्या रहेगा हमारे पास फोर वॉल्स ये कितना क्यों है ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे ऐसे आप सपोज करो एक कवर बनाना है गाड़ी को कवर करने के लिए ओके उसमें भी कोई कंडीशन सेम आ जाएगी कि भाई यहाँ पे नीचे वाले पोजिशन में तो टायर वगैरह ये वगैरह रहेंगे तो वहाँ पर हमें एरिया नहीं यूज करना है केवल कवर करना है चारों पर और रूप पे ओके तो इसमें भी सेम वॉल्स की तरह हो जाएगा बट इसमें रूप को ऐड कर लेंगे या फिर एक को माइनस कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया में से इस टाइप से आप यूज करोगे फॉर्मूला पर ओके तो अब नेक्स्ट थोड़े से फॉर्मूले और रहते हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे वे टोटल नेक्स्ट वीडियो